हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले मोबाइल ऐप से आप वेडिंग फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। और इसमें कोई भी मैं पैड ऐप यूज़ करने वाला नहीं हूँ, और आपके पास लैपटॉप हो या ना हो फिर भी आप बहुत अच्छे वेडिंग फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मैं इसमें जो ऐप का जरूरत पड़ने वाला हूँ वो उसे मैक्सिमम मोबाइल में ये ऐप होते ही हैं, और जो भी एडिट करते हैं एडिट फोटो एडिटिंग तो वो ये ऐप रखते ही हैं। भले एक दो ऐप नहीं होंगे लेकिन प्रॉपर एक दो ऐप होते हैं एडिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है B612 ऐप है एक, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल ही जाएगा, और रिमनी एक ऐप है जो कि ये भी आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और स्नैपसीड भी आपको नॉर्मल ये भी मिल जाएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको एक मैं जो फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ वेडिंग का, तो मैं वो सबसे पहले फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यही फ़ोटो आप भी एडिट करके दिखाने वाला हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले भी फ़ोटो वेडिंग फ़ोटोग्राफी में गया था, तो मैं ये फ़ोटो क्लिक करके लाया था, तो मैं यही फ़ोटो अभी एडिट करके दिखाने वाला। तो मैं सबसे पहले इसको शेयर कर लेता हूँ स्नैपसीड पे, तो यहाँ से मैं स्नैपसीड पे इसको लार्ज में ही ले जाता हूँ, जो भी इसका जो भी पूरा साइज़ है वो साइज में इसमें। उसके बाद आपको टूल्स में चले जाना, इसमें हीलिंग करके आपको एक टूल मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले फ़ोटो को जूम कर लेना। इसका यूज़ इसलिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे कभी कोई चेहरे पे दाग आ जाता है, तो मैं उसी को सिर्फ इरेज करने के लिए यूज करने वाला हूँ, और इसमें कुछ वैसा कुछ मैं खास नहीं करूंगा इस ऐप से। तो आपको जहाँ जहाँ मिले अगर कोई भी दाग उग तो आप उसको सिंपल सा मिटा सकते हैं यहाँ से, या इरेज कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही करना था, और यहाँ से आप इसको टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब खोलता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, या तो यहाँ से आप शेयर कर दीजिए डायरेक्ट B612 करके जो ऐप था उस पर, अगर यहाँ से अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं वहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया है डायरेक्ट शेयर करने का, तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर से करना कुछ नहीं है, और यहाँ से सबसे पहले आपको फ़िल्टर में चले जाना है, ठीक है। तो फ़िल्टर में मैंने बहुत पहले से ही फेवरेट में डाल के रखा हूँ ऑप्शन, आप इसमें स्लाइड करिएगा तो आपको ज़रूर ही मिल ही जाएगा। यहाँ पे ब्राइट साइड आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस से बढ़ा लेनी है, थोड़ा बहुत आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है। जो मैं इसमें देखता हूँ कितना पे अच्छा लग रहा है, उसके बाद थोड़ा टिक कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं बार बार करूँगा लगातार। तो यहाँ पर देखता हूँ जो जो अच्छा लगे, ये तो नहीं अच्छा लगेगा मुझे पता ही था। इसमें थोड़ा सा मैं इसको भी यूज करता हूँ, ग्लू करके है ऑप्शन, इसमें फिर टिक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद फिल्टर में आने के बाद फिर इसमें VD1 करके आता है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट में आ जाना है, एडजस्ट में आपको यहाँ पे आना है सेकंड ऑप्शन में। इसमें सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको कलर मैच करवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत फ़ोटो से। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये फ़ोटो है, तो इसमें थोड़ा मैं इसमें 10 के आसपास रख लेता हूँ। उसके बाद सेकंड में भी इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करता हूँ सब कलर से, तो देखता हूँ कैसा होता है ये। इसको नहीं डालूंगा। उसके बाद और भी ऑप्शन सब है, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ से इस ऑप्शन पर भी आ जाना है, यहाँ से कलर करिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाए कोई इफेक्ट।
जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ उसे करना नहीं है आपको, वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आपको ब्राइटनेस कम करना है, ज़्यादा करना है वो फ़ोटो के हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा बहुत डार्क भी रख सकते हैं और इसको मैं थोड़ा बहुत ब्राइटनेस देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर आ जाता हूँ, ये मेरा फोटो कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ से एक सेव कर लेनी है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ से कुछ करना नहीं, आपको थोड़ा सा आपको डायरेक्ट फोटो स्मूथ करके दिखाना। तो मैं स्मूथ के लिए एक फोटो मतलब एक ऐप यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है रीमिनी, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ, सॉरी कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्किप कर लेंगे इसको, इसके बाद इसको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मारना है, टिक करते ही आपको एक ऐड मिलेगा, ऐड को स्किप नहीं करना है, ऐड को पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, जैसे ये वो हो जाएगा तो आपको यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आफ्टर बिफोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जूम करिएगा जैसे, सॉरी थोड़ा सा जूम कम हो जाए, इसके यहाँ से मैं स्लाइड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा होगा, तो यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल ही जूम हो गया, सॉरी स्मूथ हो गया। तो आप इसमें दो बार स्मूथ कर सकते हैं, अगर आपको जैसा स्मूथ करना वैसा स्मूथ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से फ़ोटो सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फ़ोटो सेव करने के बाद मैं इसको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एक और ऐड आएगा तो मैं उसको स्किप कर लेता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो सेव हो गया गैलरी में। और यहाँ से मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट फ़ोटो ओपन करके दिखाता हूँ अपनी गैलरी में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो सेव हो गया गैलरी में। तो आज का वीडियो यही था, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का मैं नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। बाय।